Hey guys, my name is Zahra and this is my next video on derivative. अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं हुए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मैं बेसिकली जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो BSc और MSc से रिलेटेड स्टूडेंट से है। ये आर्टिकल्स FSc में भी होते हैं, Part 1, Part 2 के भी ये आर्टिकल्स होते हैं। अगर कोई बच्चा 12th ग्रेड कर रहा है मैथ्स में तो वो भी ये इन आर्टिकल्स को देख के अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन रूल्स। फर्स्टली मैंने आपको अपनी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि डेरिवेटिव का बेसिक कंसेप्ट क्या है, डेरिवेटिव होता क्या है। सेकेंड में मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव के 2 अप्रोचेज होते हैं जिससे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। उनमें से जो फर्स्ट अप्रोच थी डेफिनेशन मैथड, सेकेंड मेरी पूरी वीडियो डेफिनेशन मैथड पर है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको उसमें मिल जाएंगी। आप उसको करें, अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप उसको देखें फिर आप इनको देखें। डिफरेंशिएशन रूल्स एक्चुअली में सेकेंड अप्रोच है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के। 2 मेथड्स होते हैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के। डिफरेंशिएशन एक्चुअली में प्रोसेस होता है, रिजल्ट इसका क्या होता है, डेरिवेटिव। 2 मेथड्स है, फर्स्ट मेथड है डेफिनेशन मेथड। डेफिनेशन मेथड का ही नाम होता है यूजिंग लिमिट मेथड, तो कन्फ्यूज नहीं होना अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए। डेरिवेटिव फाइंड आउट करें यूजिंग लिमिट मेथड तो वो भी डेफिनेशन मेथड ही है। इसी मेथड का नाम होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अगर ये भी पूछा जाए, लिमिट पूछा जाए, डेफिनेशन मेथड पूछा जाए, तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो पूरी इसी लेक्चर पे आप उसको वॉच कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास अप्रोच होती है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की, डिफरेंशिएशन रूल्स। डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना लेकिन उसके रूल्स लगा के, डिफरेंशिएशन रूल्स के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि डिफरेंशिएशन रूल्स होते कितने हैं और फिर हम उनको 1 by 1 देखेंगे कि वो हैं क्या, किस तरह हमने उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना। डिफरेंशिएशन रूल्स टोटल होते हैं 7। फर्स्ट रूल होता है डेरिवेटिव। ऑफ ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। फर्स्ट डिफरेंशिएशन रूल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। इसमें हम देखेंगे कि कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है और कैसे होता है, उसका प्रूफ करेंगे। सेकेंड हमारे पास डिफरेंशिएशन रूल कौन सा होता है, पावर रूल फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए पावर रूल, हम किस तरह किसी क्वेश्चन पे पावर रूल अगर हमने लगाना है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो हम किस तरह लगा सकते हैं, सेकंड रूल में हम ये पढ़ेंगे। थर्ड रूल होता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। फोर्थ रूल हमारे पास होता है डेरिवेटिव सम रूल। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, कि हम प्रोडक्ट रूल अगर हमारे पास फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो डेरिवेटिव किस तरह अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कोशेंट रूल, डेरिवेटिव कोशेंट रूल। और लास्ट में हमारे पास आता है डेरिवेटिव रूल फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। ये टोटल हमारे पास कितने हो गए, 7 रूल्स हो गए डेरिवेटिव के। इन 7 को मैं 1 by 1 डिस्कस करूँगी और आपको इनको करना आ जाएगा किस तरह हमने क्वेश्चन पे इनको अप्लाई करना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना रूल 1। रूल 1 हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। किसी कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, अब बात आ गई कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कोई कांस्टेंट नंबर 2, 3, 4, तो हम बात करते हैं कि 2, 3, 4 ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चेंज नहीं होते, इनमें कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती, ये कांस्टेंट हैं, ये फिक्स्ड हैं। सिमिलरली ऐसे फंक्शंस जो चेंज ना हो, हम उन फंक्शंस को कहते हैं कांस्टेंट फंक्शंस। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन की अगर डेफिनेशन लिखना चाहूँ थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, those functions
वेज डू नॉट चेंज, जो चेंज ना हो, जिनमें कोई चेंजिंग ना आए, तो उनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन। जैसे 2 है, 3 है, 8 है, ये एक फंक्शन के तौर पे भी काम कर सकते हैं, तो इनमें कोई चेंज नहीं आता। अगर मैं इसी डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्स्टेंट फंक्शन को एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाना चाहूँ, तो मैं इसको ऐसे समझा सकती हूँ। एक ग्राफ है मेरे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू होगी, वाई एक्सिस पे क्या होगा, फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उस वेरिएबल पे। लेट्स सपोज यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे था एक्स प्लस एच, कुछ उसमें मैंने इंटरवल ऐड कर दिया। अगर मैं कहती हूँ एक्स पे फंक्शन की वैल्यू थी, लेट्स सपोज यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू थी वो थी सी, तो एक्स पे फंक्शन की वैल्यू थी सी। अगर मैं कहूँ कि एक्स प्लस एच पे फंक्शन की क्या वैल्यू थी, वो भी थी सी, इसका मतलब ये हुआ एक्स पे भी फंक्शन की वैल्यू सी, एक्स प्लस एच पे भी फंक्शन की वैल्यू सी। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन ने अपनी वैल्यू चेंज नहीं की। वो आप इनिशियल पॉइंट्स कुछ भी चेंज करते रहें, आप यहाँ पे कुछ और ले लें पॉइंट एक्स प्लस एच डैश ले लें, उस पर भी फंक्शन की वैल्यू सी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन अपनी वैल्यू बदल नहीं रहा। तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक कॉन्स्टेंट फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। इसका ये हुआ कि यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो भी सी है और एफ ऑफ एक्स प्लस एच है वो भी सी ही है। अब हम चलते हैं अपने रूल की तरफ कि डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट फंक्शन का होता क्या है, ये रूल कहता क्या है। ये रूल कहता है इफ़ एफ हैज़ द कॉन्स्टेंट वैल्यू, अगर आपके पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन किस फॉर्म में है, किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू की फॉर्म में है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी रिप्रेजेंट सम कॉन्स्टेंट वैल्यू, देन डी एफ ओवर डी एक्स इट मीन्स डेरिवेटिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन में हम रेट ऑफ चेंज तो फाइंड कर रहे हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल चेक कर रहे हैं, तो जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन का क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये हमें कहता है रूल वन। अब देखते हैं ये रूल वन का प्रूफ क्या है, ये किस तरह जीरो हमें दिखाता है। आप अगर आपको हो कि प्रूफ क्यों कराया जा रहा है, प्रूफ इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि प्रूफ करें डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन इज जीरो, और ये भी कहा जाता है प्रूफ डैट डेरिवेटिव ऑफ एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज जीरो। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो मैं आपको इसका प्रूफ कराती हूँ, फिर से रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। हम प्रूफ करते हैं रूल वन का। प्रूफ क्या है रूल वन का, हम प्रूफ करूँगी, मैं आपको इसका प्रूफ दूंगी बाय डेफिनेशन मेथड, जो डेरिवेटिव होता है उसके थ्रू। हमें पता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी कि एफ डेरिवेटिव एक्स जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो क्या होती है, एच अप्रोचेस टू जीरो वेयर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन। लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स में यहाँ से वैल्यूज ले लेती हूँ, ये भी तो कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन ही ना सी, तो मैं यहाँ से इनकी वैल्यूज ले लेती हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है सी, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है सी ओवर एच एज इट इज आ जाएगा। ये थी किसी कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ था, तो मैंने उसी से वैल्यूज ले ली और पुट कर दी। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, सी पॉजिटिव सी नेगेटिव ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास नॉमिनेटर में आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, जीरो ओवर समथिंग विच इज एच हेयर, जीरो ओवर समथिंग क्या होता है, जीरो ही होता है। जीरो ओवर समथिंग अगर हमने करना हो तो हमारा आंसर आता है हमेशा जीरो, तो जीरो ओवर एच का आंसर भी क्या आएगा, जीरो। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे एच अप्रोचेस टू जीरो जीरो में, तो आपको मैंने बताया कि लिमिट किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की चेंज नहीं होती, वो वही कांस्टेंट आता है जो होता है, तो ये आ जाएगी जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने डेरिवेटिव निकाला किसी कांस्टेंट फंक्शन का, तो वो आंसर आ गया जीरो। ये था प्रूफ फर्स्ट रूल का कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है रूल वन की। रूल वन क्या था, डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्स्टेंट फंक्शन इज जीरो।
डेरिवेटिव हमने उसके लिए हमें लेना पड़ेगा सबसे पहले एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हम देखेंगे फंक्शन किस फॉर्म में है, फंक्शन क्या कोई कांस्टेंट फंक्शन है या फिर कोई वेरिएबल उसमें यूज़ हो रहा है, वो चेंज होने वाला फंक्शन है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है 8 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव तो हमें पता ही है कि वो ज़ीरो होता है, तो हमें इसने एक कांस्टेंट फंक्शन अगर पेपर में आपको इस तरह आ जाए कोई कांस्टेंट फंक्शन और फाइंड करना हो डेरिवेटिव, तो आप सिंपली कैसे करेंगे, आप उसका सोल्यूशन किस तरह देंगे? आप करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 डी ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव लेंगे 8। जब हम x के अकॉर्डिंग 8 में चेंज देख रहे हैं तो 8 तो है ही कांस्टेंट, उसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, तो हम डायरेक्टली अपने डेरिवेटिव रूल के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट दे देंगे कि ये आ गया 0। क्यों 0? क्योंकि 8 यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। पाई बाई टू भी एक कांस्टेंट नंबर है, अगर आप वैल्यू निकालें कैलकुलेटर से पाई बाई टू तो आपको एक नंबर आंसर आएगा। नंबर हमेशा कांस्टेंट होते हैं, नंबर कभी चेंज नहीं होते। अल्फ़ाबेट्स जैसे कि एक्स वाई जी, इनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। हमारे पास फंक्शन में कोई वेरिएबल एक्स नहीं है, हमारे पास फंक्शन में सिर्फ एक नंबर है, नंबर कांस्टेंट होता है, ये आपने याद रखना है। तो अगर आपके पास इस तरह की एग्जांपल्स हैं तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू फंक्शन की वैल्यू माइनस पाई बाई टू। एक्स के अकॉर्डिंग इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में कोई एक्स वेरिएबल नहीं है, अगर होता तो फिर x के अकॉर्डिंग उसमें चेंज होता। यहाँ पे कोई x नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो आप कर देंगे 0। इसी तरह अगर आपको कोई और फंक्शन आ जाए, लेट्स सपोज अंडर रूट 3 आ जाए, अंडर रूट 7 आ जाए, 1/2 आ जाए फंक्शन, कुछ भी फंक्शन आ जाए 1/2, अंडर रूट 7, अंडर रूट 3, कोई भी कांस्टेंट आए, तो आपने उसका डेरिवेटिव जो होगा कांस्टेंट का आपने लिख देना है क्या होता है, 0 होता है। तो ये रिजल्ट हमें रूल 1 क्या बताता है कि डेरिवेटिव ऑफ एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। मैंने अभी तक आपको रूल 1 कराया, रूल 1 में मैंने आपको रूल 1 बताया है, साथ में मैंने इसका आपको प्रूफ करवाया है। अगर पेपर में आपसे प्रूफ पूछा जाए तो आप प्रूफ देंगे, अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल पूछी जाए तो आप इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको करके दिखाई है। करते हैं अपना नेक्स्ट रूल। सेकेंड रूल हमारे पास है पावर रूल फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए पावर रूल क्या होता है? अब इंटीजर्स क्या होते हैं, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में इंटीजर्स बहुत डिटेल में हर चीज़ बताई है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियोस देखें, फिर ही आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्लियर होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, रियल लाइन पे मैं आपको इस तरह बता देती हूँ। एक रियल लाइन है, यहाँ पे 1, 2 सॉन, -1, -2, -∞ और +∞ तक। तो जो 0 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आएंगे इस लाइन में, जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो अगर हमने पावर रूल डिस्कस करना है पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो हमें पता होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं ना, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं। पावर रूल फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या कहता है? इफ़ एन कोई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो, देन आपके फंक्शन किस फॉर्म में हो, कि फंक्शन में एक्स वेरिएबल हो, उसकी पावर क्या हो, एन हो, और n जो पावर है वो क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो आप उसके ऊपर डेरिवेटिव डायरेक्टली किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, n x n माइनस वन। इसका मतलब मैं अगर इसको खोल के लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ पावर x पावर माइनस वन, कि जो भी पावर होगी x के ऊपर वो पहले स्टार्ट में आ जाएगी, फिर वेरिएबल के जो पावर होगी वो उस पावर में से माइनस वन हम एक नंबर कम कर देंगे। पहले हम करते हैं इसका प्रूफ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताएं, शो करें ये चीज़ इसके इक्वल कैसे है, तो आप प्रूफ कर सकें। प्रूफ ऑफ रूल 2, मैंने आपको फर्स्ट प्रूफ कराया था बाय डेफिनेशन मेथड, सेकंड प्रूफ भी बाय डेफिनेशन मेथड ही करवाऊंगी।
प्रूव वेरी इजी प्रूव है इसका. प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि एक्स की पावर एन की फॉर्म में. मैंने ये प्रूव कराना है तो मैंने फंक्शन भी यही लिया है. एफ एक्स मेरे पास एक फंक्शन है किस फॉर्म में? एक्स की पावर एन की फॉर्म में, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर. ये अपने दिमाग में अपने रखना है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन. तो मेरे पास जो डेरिवेटिव का डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच. इस डेफिनेशन अकॉर्डिंग मेरे पास ये चीज़ तो है लेकिन ये चीज़ नहीं है. मैं पहले वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालूंगी. इसी के अंदर मैं क्या करूँगी? जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर एक्स प्लस एच रिप्लेस कर दूँगी तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आ गया लिमिट. मैं वैल्यूज पुट करूँगी एक्स प्लस एच की होल पावर एन माइनस एक्स की पावर एन ओवर एच. अब यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन है x प्लस एच की पावर n, तो ये मेरे पास एक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसको मैंने अगर इसके एक्सपैंड करना है तो मेरे पास एक थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सपैंड कर सकती हूँ. थ्योरम हम FSC में पढ़ते आए हैं 11th ग्रेड में 12th ग्रेड में. उस थ्योरम का नाम है बायनोमियल थ्योरम. सो मैं इस फैक्टर को यहाँ पे इस टर्म को बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करूँगी. किस तरह होगा? x प्लस एच की पावर n, मैं सिर्फ इस फैक्टर की जगह बायनोमियल थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करूँगी, सिर्फ इस फैक्टर के ऊपर. ठीक है, जब मैं एक्सपैंड करूँगी तो कैसे आ जाएगा? x की पावर n, मैं बायनोमियल थ्योरम लगा रही हूँ, n x की पावर n माइनस वन एच प्लस n इंटू एन माइनस वन ओवर टू एक्स की पावर n माइनस टू एच की पावर टू प्लस अप टू सो ऑन एच की पावर n. जितना मुझे चाहिए मैंने उतना लिख दिया क्योंकि ये बहुत लंबा होता है, हम पूरा नहीं लिखते इसको. पता नहीं कितनी टर्म्स आएंगी. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ बायनोमियल थ्योरम कैसे होता है. फर्स्ट जो हमारे पास होता है एक्स प्लस एच है, तो जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट होगा उसकी पावर एन, नेक्स्ट एन स्टार्ट में इस फर्स्ट पावर में से एक माइनस और साथ में एच आ गया. सेकेंड हमारे पास जो था डिजिट वो आ गया. प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू एक्स की पावर में से फिर से एक माइनस कर देंगे और एच करते क्या, हम एक्स की जो वैल्यूज़ है वो एक कम करते जाते हैं और जो साथ में सेकेंड लेटर होता है उसकी एक एक वैल्यू बढ़ाते जाते हैं. ये होता है बायनोमियल थ्योरम. और एन पे हमारे पास जैसे कि स्टार्ट में सिर्फ एक्स एन था, एन पे सिर्फ एच की पावर एन, जो कि अगर आप इसको ए और बी करके देखेंगे तो ए प्लस बी की पावर होल एन, इसका बायनोमियल थ्योरम जिस तरह एक्सपैंड होता है आप उस तरह इसको एक्सपैंड कर लेंगे. अगर किसी को इस बात की समझ नहीं है बायनोमियल थ्योरम की, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बायनोमियल थ्योरम डिटेल में करवा दूँगी किस तरह उसको एक्सपेंड करते हैं किसी फंक्शन को बायनोमियल थ्योरम से. चलते हैं नेक्स्ट काम करते हैं अपना. लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, अब मैं इन ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दूँगी. एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन एच प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू एक्स की पावर एन माइनस टू एच टू अप टू सो ओन एच एन माइनस एक्स एन ओवर एच. अब यहाँ से एक्स एन प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो ये और ये टर्म कैंसिल आउट होगी नॉमिनेटर में से. नेक्स्ट में बस क्या बचा उसको हम लिख लेते हैं. लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एन एक्स की पावर एन माइनस वन एच. अगर आप गौर करें तो एच ऊपर नॉमिनेटर में हर टर्म के साथ आ रहा है और एच, क्योंकि ये नीचे एच है. अगर मैं एच की डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन जाएगी जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है जो मैं नहीं ला सकती. इसको इधर से एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं ऊपर वाले नॉमिनेटर पार्ट में से एच को कॉमन निकाल दूँगी. सो लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऊपर से नॉमिनेटर से एच हर टर्म में आ रहा है तो मैं कॉमन ले सकती हूँ. एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू एक्स की पावर एन माइनस टू, और यहाँ पे एच टू था, यहाँ पे कॉमन आ गया एक, तो बाकी कितने रह गए? एच अकेला टर्म रह गया.
सिमिलरली लास्ट टर्म में से एज की पावर एन थी, एक मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास एज की पावर एन माइनस वन रिमेनिंग रह गया ओवर एज, एज से एज कैंसिल आउट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, एज जो लिमिट है ज़ीरो के अप्रोच करिए, जहाँ जहाँ एज फैक्टर होगा मैं उसमें ये लिमिट पुट कर दूँगी। अच्छा मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो लिमिट साथ में लिखूँगी नहीं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन और टू एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू ज़ीरो, एज की जगह आ गया प्लस अप टू सो ऑन ज़ीरो की पावर एन माइनस वन। अब आपको पता है ज़ीरो की कुछ भी पावर आ जाए वो ज़ीरो रहता है, ज़ीरो किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाए उस पूरी टर्म को ज़ीरो कर देता है, तो ये फैक्टर भी ज़ीरो हो गया, इसके अंदर जितने भी फैक्टर आएंगे वो सारे भी ज़ीरो हो जाएंगे, और ये फैक्टर भी क्या हो गया ज़ीरो। तो मैं फिर लिख सकती हूँ एन एक्स एन माइनस वन प्लस ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये मेरे पास क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया किसका, जब मेरे पास फंक्शन क्या था एक्स की पावर एन, जब मेरे पास फंक्शन था एक्स की पावर एन तो जब मैंने इसके ऊपर डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाई और उसको एक्सपैंड किया और डेरिवेटिव निकाला तो मेरे पास क्या आ गया एफ डेरिवेटिव एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स की पावर एन का, जब एन क्या हो पॉजिटिव इंटीजर हो, तो वो एन एक्स एन माइनस वन, आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज़ करके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन पे इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट ये रूल लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल, ये है हमारे पास एग्जांपल रूल टू की, डेरिवेटिव का जो रूल सेकेंड था उसकी एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स, अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स की पावर एन की फॉर्म में, यहाँ पे n किसके इक्वल है थ्री के इक्वल है, तो ये भी फॉर्म x की पावर n ही है, ठीक है, और n जो थ्री है वो क्या है एक पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव का सेकंड रूल लगेगा। रूल क्या था, पावर रूल फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या था कि अगर x की पावर n का डेरिवेटिव लेंगे तो वो n x n माइनस वन के इक्वल होगा, आपने अब रूल को अपने जहन में रखना है। इस फंक्शन का हम लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे जेन में रूल होगा, रूल क्या होगा डेरिवेटिव एक्स की पावर एन किसके इक्वल होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इस रूल के अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे थ्री है इसकी पावर जो कि एन के इक्वल है, तो यहाँ पे एन पहले आना है तो हम थ्री को पहले लिखेंगे, फिर एक्स की पावर में से एन में से माइनस वन करना है, तो एक्स की पावर में से क्योंकि हमारे पास जो n है वो यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस वन हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x की पावर 3 माइनस वन कितना आंसर आता है 2, तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव किसका x क्यूब का, टू लाइंस में हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। ये हमने क्या किया है, हमने इसका डेरिवेटिव रूल यूज़ करते हुए इसका इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हमारा टू लाइंस में आंसर आ गया। सिमिलरली अगर आपके पास फंक्शन है एक्स की पावर फाइव, यहाँ पे एन किसके इक्वल है फाइव के, तो हम जब डेरिवेटिव लेंगे इसका तो क्या होगा डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर फाइव पे, फाइव पावर पहले एक्स की पावर में से एक माइनस, तो यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा फाइव एक्स की पावर फोर, तो ये हमारा टू लाइंस में डेरिवेटिव आ गया, बजाय इसके कि हम दो पेजेस में सॉल्व करें हम टू लाइंस में इसका आंसर भी निकाल सकते हैं डेरिवेटिव रूल को यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड रूल डेरिवेटिव का, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, नेम से ही जाहिर है इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीपल होगा, किसी फंक्शन का कोई कांस्टेंट मल्टीपल होगा। रूल हमें क्या कहता है, इफ़ वी हैव डिफरेंशिएबल फंक्शन वी, डिफरेंशिएबल फंक्शन वी इट मीन्स वी हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो कि जिसका डेरिवेटिव लिया जा सकता है, जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, एंड सी इज़ अ कांस्टेंट और सी ए कांस्टेंट है, देन डेरिवेटिव सी वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा वो सी को हम बाहर निकाल लेंगे और डेरिवेटिव वी का आ जाएगा।
थर्ड रूल बेसिकली हमें क्या कहता है, थर्ड रूल हमें बेसिकली ये कहता है व्हेन अ डिफरेंशियबल फंक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, अगर कोई डिफरेंशियल फंक्शन है वो किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस डेरिवेटिव इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव भी इस फंक्शन का सेम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम इसको करते हैं पहले प्रूफ, फिर मैं करूँगी एग्जाम्पल, जब हम एग्जाम्पल करेंगे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले हम इसको करते हैं प्रूफ। प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें कोई एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम दे लेते हैं क्योंकि मैंने सी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवाना है किसी फंक्शन के साथ, तो सी और वी एक्स, क्योंकि मैंने ऊपर फंक्शन डिफरेंशियबल फंक्शन वी लिया है। वी एक्स का मतलब क्या है, वी एक फंक्शन है लेकिन उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो एक्स की फॉर्म में है। सी वी एक्स, अगर मैं इसका एफ ऑफ एक्स प्लस एच लूँ तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स होगा उसमें एच इंटरवल ऐड हो जाएगा। डेरिवेटिव की हम डेफिनेशन लगाते हैं, लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और एच, हम वैल्यूज पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की, सी सी यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, वी एक्स प्लस एच माइनस सी वी एक्स ओवर एच। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो, सी मैं कॉमा ले लेती हूँ नॉमिनेटर में से, अगर मैं सी कॉमा लूँगी नॉमिनेटर में से तो वो बाहर आ जाएगा और v x प्लस एच माइनस वी एक्स अंदर रह जाएगा और h। इस c को अगर मैं नॉमिनेटर में से कॉमन ले सकती हूँ तो मैं ओवरऑल फंक्शन में से भी कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि लिमिट की हमारे पास लिमिट के जब हमने डेफिनेशन की थी और लिमिट्स को सॉल्व करने के मेथड्स किए थे, मैंने उसमें बताया था अगर लिमिट किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रही है उस फंक्शन में कोई कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट फंक्शन के साथ अप्लाई हो जाएगी और एट द एंड कॉन्स्टेंट उसका जो लिमिट का आंसर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी कांस्टेंट और बाहर आ जाएगा और लिमिट अंदर से फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी। अगर हम नोट करें तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सी बाहर लिया है और लिमिट की वैल्यू जो थी वो अंदर लिमिट फंक्शन पे अप्लाई कर दी है। इस ब्रैकेट की जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ कि वी एक्स का ये डेरिवेटिव है, अगर हम वी एक्स का डेरिवेटिव, हमारे पास वी एक्स कोई फंक्शन है जैसे एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होता है, अगर हम डेरिवेटिव लें तो हम इस तरह ही लेंगे ना उसका भी डेरिवेटिव, तो इसकी जगह मैं फिर ये लिख सकती हूँ सी डेरिवेटिव ऑफ वी एक्स, जिसके मैं वी प्राइम एक्स भी लिख सकती हूँ या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ सी डी ओवर डी एक्स वी। तो ये मेरा इधर से प्रूव हो गया, जो डेरिवेटिव है सी वी का वो एक्चुअली में सी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, डेरिवेटिव ऑफ वी के साथ। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल ताकि आपको इस रूल की अच्छी तरह समझ आ जाए। एग्जांपल हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और ऐसा फंक्शन लेंगे जिसका कोई मल्टीपल भी हो। अब मेरे पास ये फंक्शन है थ्री एक्स क्यूब, देखा जाए तो एक्स क्यूब क्या एक डिफरेंशियबल फंक्शन है और थ्री क्या है उसका मल्टीपल है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास इस रूल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट मल्टीपल रूल के अकॉर्डिंग एक फंक्शन है, मैं इसके ऊपर कांस्टेंट मल्टीपल रूल डेरिवेटिव का अप्लाई कर सकती हूँ। कैसे करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल क्या कहता है, कॉन्स्टेंट को आप बाहर निकाल लें और डेरिवेटिव अंदर फंक्शन का ले लें, इसके ऊपर क्या लगेगा पावर रूल, क्योंकि क्या है पॉजिटिव इंटीजर है तो हम पावर रूल फॉर पॉजिटिव इंटीजर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो किस तरह लगेगा पावर पहले एक्स की पावर में से एक माइनस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे थ्री इंटू थ्री नाइन एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया नाइन एक्स स्क्वायर। तो ये एक एग्जांपल थी कांस्टेंट मल्टीपल रूल की।
सो गाइस, ये थी आज की वीडियो डिफरेंशिएशन रूल्स पे। मैंने इसमें सारे डिफरेंशिएशन रूल्स नहीं करवाए, मैंने आज की इस वीडियो में फर्स्ट 3 डिफरेंशिएशन रूल्स बताए हैं, साथ में इनके प्रूफ्स बताए हैं, साथ में इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करवाई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट रूल्स अच्छी तरह उनको भी समझा दूँगी, उनके प्रूफ्स भी, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, तो आप इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें जिनको वाकई ये टॉपिक्स चाहिए। ये चैनल बनाया इसलिए है मैंने कि मैं फैसिलिटेट कर सकूं लोगों को, ताकि जो भी मैथ से जिनकी प्रॉब्लम्स हैं वो इसको कवर कर लें। तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।